still drive me crazy. कलम गड्डी पीछे हां गला खराब है मेरी लत खराब लत लत च क्यों आया। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का दिन हम शुरू करेंगे कॉस्को आने से, क्योंकि थोड़ी चीज़ें मुझे चाहिए थी क्लीनिंग सप्लाईज। मैं यहाँ से लेना पसंद करती हूँ, जैसे नॉन केमिकल प्लांट बेस्ड मेथड का क्लीनर। वैसे तो मायर्स मिसेस मायर्स यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, पर ऐसी बहुत सारी रैंडम चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ। एंड आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा गड्डी से व्लॉग बना रहे हैं हम लोग, जहाँ पर मेरे पति भी आपको दिखेंगे। एंड वो कुछ कहना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं आ रहे, कि आप इतने दिन से व्लॉग में से मिसिंग हैं, कहाँ थे आप सर? पता क्या, कैलगरी में आग लगी है। ओ हस्बैंड बिजी हैं। ओके तो इस करके बिजी इज गुड राइट, थोड़ा सा बिजी है। ओके दोस्तों, एक्चुअली आग लगी मतलब कि बहुत लोग की घर खरीद रहे हैं, रियल वाली आग नहीं। वैसे रियल आग भी हमारे अल्बर्टा में लग गई थी, अभी भी थोड़ी जगह है अनफॉर्चुनेटली। एंड या हस्बैंड वहाँ पे बिजी हैं। अगर आप नहीं जानते मैं बता देती हूँ, हस्बैंड ना रियल एस्टेट में जॉब करते हैं, अगर आपको घर खरीदना या बेचना हो इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस गाय इज ऑलवेज ऑन फोन, लाइक ऑलवेज ऑन फोन, लाइक आई हेट हिम, आई हेट हिम सो मच। ऑफर पानी, ऑफर लानी, ऑफर करनी। ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਫੋਰ ਗਰੰਟਡ, ਜੋ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਨੋ ਕੈਮਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ, मुझे ना ये ऑर्गेनिक जिंजर बहुत अच्छा लगता है, अदरक वाली चाय ना लाइक फुल ऑफ फ्लेवर हो जाती है। सो मेरे व्लॉग्स को देखने वाले दोस्तों का बहुत बार मुझे मैसेज आता है कि जो मेरा कुकवेयर है वो कौन सा है, वो ये वाला है। इसमें 10 पीस आएंगे एंड $300 का है ये, पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसके जो हैंडल थे वो गर्म नहीं होते और इतना चमक जाता है। आपने देखे हैं मेरे पांडे की मैं चमकदार। सो मेरे पास ऐसा भी है बहुत बड़ा। ओके शायद वो डिफरेंट होगा स्टाइल, क्योंकि ये वाला जो मेरा है काफ़ी बड़ा है। मेरे पास ये भी है, ये भी है, और इसके अंदर एक पैन भी है, वो वाला भी है, एंड एक कढ़ाई है, ये नहीं है पर एक मतलब वधिया कढ़ाई है जिसमें मैं कुक करती हूँ, पर वो भी अराउंड अच्छा, वो 300 से ज़्यादा का था। पर यार ये सेम ब्रांड है, स्टेनलेस स्टील किर्कलैंड क्लैड कुकवेयर। सो जो अगर आप खरीदना चाहें तो ये खरीद लें। सो देयर इज दैट गाइस। सो मैं लेने वाली हूँ काजू, काजू बोल रहे हैं, कैश्यू नट्स अनसॉल्वेड। यहाँ पे वैसे काफ़ी सारी नट्स की ऑप्शन है, मुझे पिस्ताचो भी अच्छे लगते हैं। ओके दोस्तों, तो हम घर पहुँच चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हम क्या लेके आए हैं। और सबसे पहले है ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज, जो कि हस्बैंड अपने ओके जो हस्बैंड ओट्स पे डाल के खाते हैं, हम फ्रीजर से डाले फ्रोजन। एंड इस बार हम लेके आए हैं डॉक्टर प्रेगर की वेजी पैटी, बहुत अच्छी है ये। अगर आप ट्राई करना चाहें वेजी बर्गर बनाने के लिए या कुछ भी, अच्छा है ये। लाइक मुझे लगता है कि जो हंग्री जैक्स की वेजी पैटी हुआ करती थी ना बर्गर किंग की, वैसा फ्लेवर है इसका। एंड ये ऑर्गेनिक है, यू गॉट ट्राई इट, ऑर्गेनिक है ये। फ्रिज इन द फ्रीजर। सो केक कप्स लेके आई हूँ कॉफ़ी की, ये नया ब्रांड हम ट्राई करने वाले हैं। एक्चुअली नया नहीं, हमारे लिए नया है, यूजली हम टिम हॉर्टन्स लेते हैं, बट इस टाइम मैंने ये खरीदा है। कई बार ना कॉफ़ी पीने के लिए मन करता है हमेशा में। और ये ऑर्गेनिक जिंजर, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, लाइक वधिया चाय का फ्लेवर आता है। और पॉपकॉर्न, क्योंकि हिम्मत खाता है ये पॉपकॉर्न। या लाइक पॉपकॉर्न, लेट्स कुक इट, आई एम कुकिंग दिस इन द पैंट्री रियली क्विकली। आई नो, ओपन करके रिफिल कर दे फिर। एंड कैश्यू नट्स फॉर कुकिंग। बाकी शू क्लोजेट चला दो, शू क्लोजेट चला दो। सो ये है कैश्यू नट्स, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। क्रीम मक्खन बनाने के लिए। एंड ब्लैक बेरीज लेके आई हूँ मैं, पालक लेके आई हूँ, पालक पनीर बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं पालक के। दूध एंड ये मेथड का ऑल पर्पज़ क्लीनर, ये अच्छा है प्लांट बेस्ड, क्योंकि जो दूसरे क्लीनर है ना, अगर आपको कोई भी किस्म की ऑटो इम्यून कंडीशन है या कुछ भी इम्यून सिस्टम से लेके, जो भी अगर रॉन्ग केमिकल वाला क्लीनर आप यूज़ करो ना, आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है तभी। तो मेरे साथ बहुत बार होता था कि मैं
मेरे साथ बहुत बार होता है जिस दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो मेरी हड्डियाँ दुखनी शुरू हो जाती हैं, वो क्लीनर की वजह से होता है। सो प्लांट बेस्ड यूज करें या जिसमें कोई केमिकल ना हो वो यूज करें, या फिर घर पे बना लें विनेगर एंड डिश सोप के साथ। मैं वीडियो बना दिया, मैं बड़बड़ करी अंदर भाव ना करो। सो लेमन, सुबह लेमन पीने के लिए, एंड मैजिक इरेजर सफाई के लिए, एंड ऑर्गेनिक अंडे सारे का रलिया के लिए। और इस बार हम ना ये नया माउथ वॉश यूज करने वाले हैं, ये क्रस्ट का है। वैसे हम लिस्ट्रीन कर रहे हैं, वो लिस्ट्रीन। ओके गाइस, हम लोग राइस लेके आए ना, हस्बैंड ने लाइक राइस का लफाफा रस्ते ची फाड़ दिया। ऐदा अखा बंद करके चलाते हैं ट्रॉली, यानी की कर रहे हैं। टाइम आ गया, माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड एंड स्केयर्ड, क्योंकि लॉटरी आ रहा है। वाओ के बहुत और नुकी लगा, तू बैट लगाओगे? मेरे ना मेरी $15 वाली बैट अगे लगी है, मेरे ना ओदे चिट्टा ही है शॉपिंग बोर्ड जेड़ा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट वन, अनु कने मतीरा मतीरा कने कोई के ने असि हटवाना दोस्तों मतीरे दा आवा कर। ओह माय गॉड, यार ये अंदर दे चिट्टा शिट। इट्स ओके, एंड लाल है पर की बड़ा मीठा होवे। ये मेरे कैमरे तो तू ये वाला जो बिन है ना, ये ग्रीन बिन है, ये सारा खाद बनने के लिए यूज होता है, फिल होने वाला है, इसको हम ग्रीन बिन में डाल के आते हैं, फर्टिलाइजर बनेगा इसका पारिया। और ये जो बैग है ना, ये भी गल जाता है, लाइक प्लास्टिक नहीं है ये, दिखने में प्लास्टिक लग रहा है बट के मैं लेके आई थी लौकी, ये ना मैं पहली बार खाने वाली हूँ। मैं जिस स्टोर ग्रॉसरी स्टोर से लेके आई ना, वो कह रहे कि ये साउथ इंडियन स्टाइल लौकी है, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो ट्राई करें, सब्जी बनाएंगे। सो वाटरमेलन को काट लिया मैंने, दो डब्बों में भर लिया है, इसको फ्रिज में रखेंगे, एंड एक हाफ अभी बाकी है, इसको फ्यूचर में करेंगे, इसको रैप करके रख देते हैं। मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। वैसे बॉलीवुड के मुझे लग रहा है मूवीज़ में हमने ये वाली लौकी देखी हुई। प्रेशर कुकर रखा है मैंने, दो सीटियाँ बजाएंगे हो जाएगा। हस्बैंड लौकी के इतने फ़ैन नहीं है, पर मैं लादा एग भुर्जी वुर्जी बना लेंगे साथ में। पर मैं ना चाहती हूँ कि मैंने ये ख़रीद के लेके आई हूँ, थोड़ा फ्रेश ही खा लें, अब ही ना करें। खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी, लाइक ताज़ी है काफ़ी। मुझे ना लौकी गाइस बहुत अच्छी लगती है फ्लेवर्स में, हस्बैंड ने फैन नहीं है, उनको दाल डाल के अच्छी लगती है, पर मैं नए में सब्जी बहुत होती है।
पहले हम काटेंगे अनियन। मैंने मेरे बालों को किया है वॉश एंड उसके बाद मैंने स्टाइलिंग किया क्योंकि बिजी थे हम लोग। एंड सब्जी मैंने आपके सामने बनाई है लौकी की, बहुत ही सिंपल। मुझे लगता है कि हम नॉर्थ इंडियंस बेसिकली सारी सब्जियां ऑलमोस्ट सेम बनाते हैं, किसी में गार्लिक माइनस हो जाता है, किसी में नहीं। सो या सब्जी तैयार है। पर मेरे हस्बैंड लौकी के बहुत बड़े फैन नहीं है, पहला बालना बन लिए, सोने से पहले कोशिश करेंगे कि स्टाइल हो जाए क्योंकि फिर मेरा कल वाला दिन अच्छा निकलेगा, राइट। सो हस्बैंड लौकी के बहुत बड़े फैन नहीं है। सो आज की जो शिपिंग है वो कॉस्को से आते समय मैंने कर दी थी। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा खुद का एक स्टोर है जिसमें हम सेल करते हैं लैशेज एंड बहुत ही प्यारी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी जो कि इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, मैं खुद से भी यूज़ करती हूँ। आज नहीं मैंने पहना बट वो इतनी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है कि मैं बहुत सालों से पहन रही हूँ और उस पर एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। वो वाटरप्रूफ है, स्वेट रेसिस्टेंट है। कई बार होता है ना कि आप ज्वेलरी को आपको उतारना पड़ता है जब अपना हाथ है, पर मेरी ज्वेलरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ है, ऐसी ज्वेलरी अगर आप बाज़ार में लेने के लिए जाएंगे तो बहुत महंगे पीसेस मिलते हैं। नॉर्मल सिंपल सा नेकलेस आपको अराउंड 60-80-100 डॉलर में मिलेगा, पर मेरी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सारे पहन पाए। मैनू इतनी कोई बचत नहीं होती है इससे, बट मैं चाहती हूँ कि सबके पास प्यारे प्यारे पीस। और हमारी वेबसाइट में हम और बहुत बड़ी कलेक्शन ऐड करने वाले हैं जल्दी ही। सो अगर आप मेरे स्टोर का नहीं पता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। वैसे मैंने स्टोर का बहुत ही आसान सा नाम है, simorshop.com। उस पर जाएँ एंड विंडो शॉपिंग करें और चीज़ें खरीद भी सकते हैं। सो वो उस शिपिंग के चक्कर में मैंने पहला हाफ सुबह कर दिया था, अदर हाफ मैं अभी करके आई हूँ। और मैंने किया बनाई थी ना जाने से पहले, पर हस्बैंड की आगे बहुत बड़े फैन नहीं है तो मैं लेके आई हूँ ये बर्गर बंस। आपको मैंने कॉस्को की हॉल में दिखाया ना कि हम लोग डॉक्टर प्रेगर्स की वेजी पैटीज लेके आए हैं। ओके, बाहर तो पा गई, यू कांट इवन सी मी नाउ। सो कॉस्को की हॉल में दिखाया कि डॉक्टर प्रेगर की वेजी पैटी लेके आई हूँ। हस्बैंड को भूख लगी है, फ्राइज बनाते हैं, पैटीज करेंगे, टमाटर अनियन एंड लेटस भी लेके आई हूँ, तो अच्छा सा बर्गर बनाते हैं। लेट्स डू दैट। सबसे पहले फ्राइज को एयर फ्रायर में डाल देते हैं जब तक बर्गर हुआ, वो बर्गर बहुत जल्दी हो जाएगा, वेजिटेरियन है ना। सो हस्बैंड ने रैंडम चीज़ें करने के लिए मुझे बाहर बैकयार्ड में बुला लिया था बेकार टाइम वेस्ट करने के लिए। सो हम यूज़ करेंगे डॉक्टर प्रेगर्स की पैटी। अभी ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पर ये वेजी पैटी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है अगर आप वेजिटेरियन हैं। आलू टिक्की जैसी, और इसमें अलग अलग सब्जियाँ भी हैं। लाइक देखो, अभी ऑस्ट्रेलियन दोस्त को पता होगा कि जो हंगरी जैक्स है उसमें वेजी पैटी कितना अच्छा मिलता है ना, वो बर्गर उसमें मटर भी होते हैं, गाजर भी होती है, ये बिल्कुल वैसी वैसी पैटी है। तो या मैं ना, मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले हम लोग ये पैटीज खाते थे तो मैंने रेकमेंड किया था आपको अगर खाना चाहते तो। एंड बहुत सारे दोस्तों ने खरीदी थी और बहुत सारे दोस्तों को अच्छी भी लगी थी। सो आज हम बहुत समय के बाद लेके आए हैं। बचे हुए वाटरमेलन को भी रैप कर देते हैं, इसको बेचारे को ना
एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ी देर में, अभी फ्रिज में जगह नहीं है इसको साइड पर। एंड यहाँ पे एयर फ्रायर आएगा एंड फ्राइज आएंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइज। पैटीज को ना मैं पैन में कर लूंगी, पर पैन में करने से पहले इसको मैं थोड़ी देर माइक्रोवेव में करूंगी, अराउंड 40 सेकंड्स, एक मिनट के लिए कर लेते हैं ना तो डिनर। सो आपको शायद इस पैन में हम पैटीज कर लेंगे। इसको मैं रखने वाली हूँ तवे पे एंड जल्दी से मैं ना साइड्स के लिए चीज़ें काट लेती हूँ। ऐसे रख लेने आप लेटस के पत्तों को ना मैं काटूंगी नहीं, क्योंकि फिर बर्गर से इधर उधर दिखता रहता है, गिरता रहता है। एंड उसको हम लंबे पत्तों में रख देंगे। ये पटेटो को टमेटो को स्लाइस कर लेते हैं। वैसे तो अनियन को भी आपको स्लाइस करना चाहिए, पर बहुत लंबा एंड बड़ा चौड़ा है तो इसकी भी हम पतली पतली। सॉस के लिए हम यूज़ करेंगे मायनेज एंड केचप। पैटी को पैन में रख दिया है, उसको फ्लिप करने के लिए हमें चाहिए स्पैचुला। ये ना वैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट सी है, थोड़ा प्यार ना है इसके साथ बिहेव करें, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव मत करें इसके साथ, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और या मैं सेवन फूड्स में गई थी, वहाँ पे मुझे यही वाले बंस मिले। मुझे सेसमे सीड वाले चाहिए थे पर वो नहीं थे, पर क्या करें। एंड सेसमे सीड वाले क्यों चाहिए थे, क्योंकि मज़ेदार फीलिंग आती है इससे ना, कोई डिफरेंट फीलिंग आती है इससे, वो वाली फीलिंग तो नहीं आती है। पर सो छोटा जहाँ इसको साथ ही मैं करूँगी, उन्होंने बन जाना छोटा है, पति देता है दो बर्गर तो खा ही लेंगे मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, फ्राइज को भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ। सो फ्राइज का भी ध्यान रखें साथ के साथ। और ना जब मेरी इतने काउंटर क्लीन नहीं ना होंगे कुकर ने, मेरे को छूता रहता है, सो जल्दी से क्लीन भी कर लेते। One night I went to sleep at the end of a long week and I thought you seemed withdrawn. Well the truth always comes out, now yours has through someone else's mouth and right now I can't move on. You're telling yourself it's to protect me, so you hid away a crucial part. Assemble करने का समय आ गया, crispy हो गया काफी अच्छा, खूबसूरत है, मतलब काला नहीं है। इसमें हम लगाएंगे मेयो, लेटस, टमाटर, अनियन, ना के बराबर चीज़, क्योंकि हस्बैंड चीज़ के फ़ैन नहीं है। सॉल्ट पेपर पड़ेगी, मैं थोड़ा सा पेपर डाल देती हूँ, नन्नू सा सॉल्ट, गर्मा गर्म पैटी एंड चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। एंड लिटिल बिट केचप, नॉट टू मच, टाइम। खूबसूरत बर्गर्स रेडी। तो ये हस्बैंड का बर्गर रेडी, उनको बुलाते हैं। Don't tell me it's
so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be sure. Just be sure. I'm gonna tell the truth. It ain't that bad or good. Two girls and so husband अभी भी नहीं आया है. मैं आप नंबर का ट्राई करके बताने वाली हूँ कैसा है, क्योंकि हस्बैंड मेरा ठंडे खा हुए. Oh wow, is this the dinner? Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਕੱਦੂ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਠੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੀ ਦੇ ਉਹ ਆ. तो गाइज हमारा डिनर हो चुका है. आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और मुझसे आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं. मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी. आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच.